नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है और नींद ना आने की वजह से आप परेशान हो गए हैं, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हो रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं नींद ना आने के एक तो कारण और साथ ही साथ आप भरपूर नींद ले सकते हैं, वो भी कैसे, ये भी जानेंगे आप इस खास वीडियो में। आज के समय में हर कोई चाहता है कि खुद को स्वस्थ रखे। हम अक्सर अपने आप को हेल्दी रखने के लिए खाना और फिजिकल एक्टिविटी का सहारा तो लेते हैं, पर क्या आप जानते हैं नींद भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो सकती है। 6 से 8 घंटे की नींद शरीर को तरोताजा रखने के लिए बेहद खास है। कई बार ज्यादा स्ट्रेस और काम की थकावट को दूर करने के लिए नींद जरूरी हो जाती है। शरीर को एक्टिव रखने के लिए नींद हमारे लिए फायदेमंद होती है। दरअसल जब आप सही नींद लेते हैं तो आपका मस्तिष्क काफी सक्रिय रहता है। ऐसे में मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए नींद काफी असरदार होती है। रात में अच्छे से सोते हैं तो सुबह आपके शरीर का एनर्जी लेवल काफी बढ़ा हुआ होता है और ये आपके मानसिक विकास के लिए मददगार हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें नींद क्यों आती है, इसके पीछे क्या वजह है? तो चलिए जानते हैं कि क्यों आती है नींद। हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच एक ग्रंथि होती है जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं। इस ग्रंथि का काम एक चावल के जितना होता है। इससे एक मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। हम दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं। जब हमें रात में नींद आती है तो आंखों के रिसेप्टर से इसका सिग्नल पिनियल ग्लैंड पर जाता है और धीरे धीरे मेलाटोनिन अपना काम करना शुरू कर देता है। नींद के कई फायदे हैं जो आपको हेल्दी रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि सही नींद लेना कितना जरूरी है। नींद के फायदे, वजन कंट्रोल करने में मददगार। अच्छी नींद लेना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। आज हर कोई बढ़ते वजन से परेशान है, पर क्या आप जानते हैं अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो इससे आपको वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। नींद की कमी से भूख बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और ये आपके बढ़ते वजन का कारण है। इसलिए सही समय पर नींद लेना और पूरी करना बेहद जरूरी है। इससे आपका वजन कंट्रोल में भी आएगा, इसलिए आप भी अपनी नींद जरूर पूरी करें। मेंटल परफॉर्मेंस का बढ़ना। नींद से आपकी मेंटल परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाती है। मानव मस्तिष्क में सिग्नल को स्टोर करने का प्रोसेस नींद के द्वारा ही पूरा होता है और मस्तिष्क पर इसका सीधा असर पड़ता है। आप अपनी समझ से कोई काम करते हैं तो इससे आपकी मेंटल परफॉर्मेंस बेहतर होने लगती है। अच्छी नींद लेने से आपकी क्रिएटिविटी में भी सुधार आ सकता है। मेंटल परफॉर्मेंस बढ़ने में नींद का अहम रोल है। इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार। नींद और इम्यूनिटी का सीधा संबंध है। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो इम्यूनिटी पावर बूस्ट होने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। आपको भी अगर कई बीमारियां चारों ओर से घेर लेती हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी वीक है। अच्छी नींद लेना आपके लिए फायदेमंद होता है। ये आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि नींद पूरी हो। त्वचा के लिए फायदेमंद। आप भी अगर अपनी स्किन ग्लोइंग करना चाहते हैं तो अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है। दरअसल ये ब्यूटी स्लीप आपके दमकते चेहरे के लिए काफी फायदेमंद है। नींद लेने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जिससे चेहरा और अधिक सुंदर होने लगता है और चेहरे पर ताजगी दिखती है। शरीर में सही ब्लड सर्कुलेशन स्वस्थ त्वचा के लिए जरूरी है। अगर आप नींद कम लेते हैं तो त्वचा सुस्त भी हो सकती है, इसलिए पूरी नींद जरूर लें। किसी चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, तो बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। नींद की कमी से नुकसान। कम नींद से आपकी आंखों पर इसका बुरा असर पड़ता है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल बढ़ने लगते हैं जो आपके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं। कई बार नींद की कमी से डिप्रेशन की समस्या भी बढ़ जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
डिप्रेशन में आपको अपनी नींद पूरी करनी जरूरी हो जाती है। नींद पूरी करने से आप काफी अच्छा महसूस कर सकते हैं। नींद की कमी से अक्सर कई लोगों को डायबिटीज की परेशानी बढ़ सकती है और ये आपके लिए किसी खतरे से कम नहीं है। अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं तो आपके लिए नींद जरूरी हो जाती है। काम को लेकर एकाग्रता काफी जरूरी है और इसके लिए आपको अच्छे से सोना काफी जरूरी हो जाता है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो रात में नींद ना आने से काफी परेशान रहते हैं। पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि हमें नींद क्यों नहीं आती? दरअसल इसमें हमारी ही गलती है। हम अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियां। आजकल की लाइफस्टाइल इतनी बदल गई है कि हर काम करना बेहद आसान हो गया है। हम ऑफिस में और घर पर इतना काम करते हैं कि हम थक जाते हैं। इससे हमें लगता है कि हमें बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाएगी, पर ऐसा नहीं है। दरअसल हम अपने शरीर को थकने ही नहीं देते। पूरा दिन बैठे बैठे काम करने से कोई थकान महसूस नहीं होती। इसलिए ये जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें और पैदल जरूर चलें, ताकि आपको अच्छी नींद आ जाए। नींद का टाइम फिक्स ना होना। हमारी नींद का टाइम कभी फिक्स नहीं होता। कभी आप 10 बजे कभी 12 बजे सुबह उठते हैं तो ये आपकी पूरे दिन की दिनचर्या को खराब कर देता है। दिन में सो जाने से हमारे दिमाग को लगता है कि हमें आराम मिल चुका है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम रात की नींद नहीं लेते हैं तो हमें पूरे दिन थकान रहती है। सोने से पहले टीवी देखना। सोने से पहले टीवी देखने से हमें नींद ना आने की समस्या हो सकती है। हम सोने से पहले टीवी देखते हैं तो इससे नींद नहीं आती। टीवी देखने और स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से हमारे दिमाग में वही चलता रहता है जो हम देख रहे होते हैं। इसलिए ये गलती ना करें। कैफीन पदार्थ का सेवन। ऐसे पदार्थ जिसमें कैफीन की मात्रा होती है, उनका सेवन हमारे लिए लाभकारी तो होता है, पर नींद ना आने की समस्या में इसका नुकसान भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम रात में जागने के लिए चाय कॉफी का सेवन करते हैं, पर आपको इसका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी। तो ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। आपने कभी ये भी सोचा है कि हमें नींद क्यों नहीं आती? तो इसका कोई घरेलू नुस्खा भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं ये नुस्खा जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। जिनको नींद की शिकायत है, वो गौर तलब बात ये है कि अगर वो दिन और रात में 6-7 घंटे सो लेते हैं तो उनकी नींद मुकम्मल हो चुकी है। कुछ लोग रात में नहीं सो पाते लेकिन दिन में सो लेते हैं। अगर आप दिन में भी नींद नहीं आती और रात में भी नींद नहीं आती तो ये एक फिक्र की बात है। और कुछ लोग तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं कि रात को सोते वक्त 2-4 चम्मच शक्कर खाकर और खूब पानी पिए, इससे भी नींद की बीमारी ठीक होना मुमकिन है। आपको कोई मिठाई मरगूब हो और आपको शुगर की का मर्ज ना हो तो वो खा के सो सकते हैं, उससे भी नींद पूरी हो जाती है। अगर आपको मेहनत का काम नहीं है तो रात को 1 घंटा पैदल चलें और फिर सोएं तो बड़ी गफलत की और बड़ी अच्छी नींद आती है। और कुछ लोगों को अंगूर पसंद हो तो अंगूर पेट भर के खा के सोइए, नींद की बीमारी नहाने की बीमारी ठीक होना मुमकिन है। और भी बहुत सारे इलाज हैं। अगर जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए जैतून का सिरका 3-4 चम्मच गिलास में पानी में मिलाकर पीजिए और खूब अच्छी नींद ले सकते हैं, ये भी एक नींद का तरीका है। नींद हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो ये आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद सही से लेने से आप काफी फ्रेश महसूस करते हैं, जिससे आपको काम करने में एनर्जेटिक महसूस होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने विचार सुझाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर हमें अपने सुझाव लिखें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।